हेलो चिल्ड्रन, आज हम आपको लोमड़ी और सरस की कहानी सुनाएंगे। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है बच्चों, एक स्वार्थी लोमड़ी थी। उसने रात के खाने के लिए एक सरस को अपने घर पे आमंत्रित किया। सरस निमंत्रण से बहुत खुश होकर समय पर लोमड़ी के घर पहुंच गया और अपनी लंबी चोंच के साथ दरवाजे की घंटी बजाई। लोमड़ी ने जो खाना बनाया था उसको मेज पर रख दिया और लोमड़ी ने दोनों के लिए सूप बनाया था और उसने वो सूप को थाली में रख दिया। जैसा कि थाली सरस के लिए बहुत एकदम चपटा था, सरस अपनी चोंच से सूप बिल्कुल ही नहीं पी पा रहा था, लेकिन चालाक लोमड़ी ने उसका सूप जल्दी से चट कर दिया। यह देख सरस नाराज और परेशान था, लेकिन उसने गुस्सा काबू में कर उनसे विनम्रता से व्यवहार किया। अगले दिन लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए उसने उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। इस बार उसने सूप भी परोसा, लेकिन इस बार सूप को दो लंबी गहरी सुराइयों में परोसा गया। सरस ने अपने चोंच उन गहरी सुराई में डाली और झट से सूप निकाला और आसानी से पी गया, लेकिन लोमड़ी ने अपनी गर्दन उसमें नहीं डाल पा रही थी। लोमड़ी कुछ भी सूप नहीं पी पा रही थी। अभी लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी स्वार्थी कार्य नहीं करना चाहिए, उसके लिए बाद में आपको भी दुःख पहुँचता है।